सियासी के अंदर जो निर्मम हत्याएं पाकिस्तान के माध्यम से की गई है उसका विरोध करने का प्रयास करना चाहता हूं। बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूं कि ये साजिश के माध्यम से हुआ कि माता वैष्णो देवी के यात्री और मोदी जी की बूथ सेरेमनी इसके अंदर खलल पड़े। हिंदू मुसलमान बनाने का प्रयास किया गया, हिंदू और मुसलमान के अंदर युद्ध हो वैसी परिस्थितियाँ यहाँ पैदा करने का प्रयास किया गया है, ये पाकिस्तान की साजिश है। और पाकिस्तान की साजिश के माध्यम से मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, श्रीनगर के अंदर ऐसी फोर्सेस जीती जिनका सीधा संबंध पाकिस्तान से है उसका भी विरोध करने का प्रयास करना चाहता हूँ। लेकिन कुछ बातें बड़ी स्पष्ट है, मोदी जी कसम ना उठा पाए, पाकिस्तान अंदर से खोखला हो गया है। पाकिस्तान चाहता है कि जम्मू कश्मीर के अंदर खलल रहे, भारत के अंदर खलल रहे, भागत प्रागत प्रोग्रेस नहीं कर पाए क्योंकि उनके घर नहीं दाने माचे नहीं बनाने। इसलिए मैं बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूँ, एक साजिश के माध्यम से हिंदू और मुसलमान फसाद बन जाए, हिंदुस्तान खुशी में ना रहे, हिंदुस्तान आगे बढ़ ना पाए, मोदी जी की ओथ सेरेमनी बंद हो जाए, क्योंकि पाकिस्तान चाहता था कि मोदी जीते नहीं। पाकिस्तान बार बार कह रहा था एक ऑपोजिशन के लोगों को जीतने का प्रयास करना होगा, वो लोग उनके साथ थे। आज मिस्टर मोदी जीत गए तो फसाद कराने का प्रयास हुआ। मैं लोगों से अपील करना चाहता हूँ, आज लड़ने का समय नहीं है, लेकिन मेरे श्रद्धालु जो हैं माता वैष्णो देवी के उन पर अटैक हुआ है, लेकिन सरकार भी इसके सारे विषय के अंदर कदम उठाने का प्रयास करना होगा। ये मैंने कहा है एक और माला को, मोदी जी आप सत्ता के अंदर आ गए, पाकिस्तान को नस्तो नबूद कर दो, करो बालाकोट। जो पाकिस्तान अंदर जिसके घर के अंदर दाने नहीं है, अंबाचली बुनाने, घर के अंदर रोटी नहीं है, फुल्का कितने का है, 100 रुपये का फुल्का, आटा कितने का है, 200 रुपये किलो, और वो हिंदुस्तान से झगड़ा करने के लिए तैयार चला है। लेकिन मैं बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जितने बाहर से लोग ओथ सेरेमनी के अंदर आए हुए थे ये हमारा हिस्सा है, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ श्रद्धालुओं के ऊपर अटैक कभी बर्दाश्त नहीं हो रहा। और यहाँ के जो सिक्योरिटी के अधिकारी हैं श्रीमान जैन जी, आप बड़े अच्छे व्यक्ति, लेकिन ये घटना नहीं घटनी चाहिए थी, इसका जवाब देना होगा। एक और बालाकोट और पाकिस्तान को नस्तनाबूद।